केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए बढ़ते हैं यूपी के कुछ खास खबरों की ओर। जिला जज, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान बंदियों से ली विभिन्न जानकारियां। जिला जज अनिल कुमार झा, जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवानंदन सिंह के द्वारा जिला कारागार कानपुर देहात का संयुक्त त्रिमासिक निरीक्षण किया गया। उक्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा कारागार में निरुद्ध महिला पुरुष, सिद्ध दोष, विचाराधीन बंदियों से उनकी समस्याएं जैसे सरकारी वकील, तारीख पेशी एवं कारागार में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में पूछताछ की गई। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा कारागार में निरुद्ध महिला बिंदुओं द्वारा सिलाई मशीन से बनाए गए थैले, बच्चों के खिलौने, हाथ के पंखे एवं कार्डिगन, स्वेटर आदि देखे गए। उक्त अधिकारियों द्वारा महिला बंदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रशंसा की गई तथा महिला बंदियों को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि इनकी कुशलता को और निखारने के लिए इसको स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए, जिससे इनके द्वारा निर्मित सामानों को नई पहचान मिल सके और इनसे प्राप्त आय को महिला बंदियों के बीच में ही वितरित किया जाए। कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा जेल स्तर से संबंधित कोई शिकायत नहीं की गई। संवाददाता कानपुर देहात सचिन अग्निहोत्री के मुताबिक निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा कारागार की सफाई व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था एवं भोजन व्यवस्था आदि का गहन निरीक्षण किया गया। अस्पताल वार्ड, पाठशाला महिला बेरंग, किशोर बेरंग आदि की संघन चेकिंग कराई गई। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा कारागार में कुशलता व सफाई व्यवस्था पर संतोष राजेंद्र कुमार, जेलर कुशव कुमार सिंह, उप जेलर कुंवर रणनजय सिंह, राजेश कुमार राय, मिथिलेश कुमारी द्वारा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को वांछित जानकारियां दी गई। निरीक्षण के समय डॉक्टर मनीष जेल चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने वृक्षारोपण समिति की समीक्षा, दिए निर्देश। वृक्षारोपण फर्जी तरीके से न किए जाए, अन्यथा की जाएगी कार्रवाई। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन कार्यालय में जिला वृक्षारोपण समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, डीसी मनरेगा, अपर सांख्यिकी अधिकारी आदि उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित किया कि 4 जून को होने वाले वृक्षारोपण की प्लानिंग पूर्ण रूप से कर लें तथा जिस विभाग को जितने वृक्ष लगाने हैं उसकी कार्य योजना 2 जुलाई तक अवश्य संबंधित विभागों से मंगवा लें तथा गड्ढों की खुदान आदि संपूर्ण व्यवस्थाएं करने हेतु संबंधित विभागों को अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि जो शासन द्वारा क्विक कैप्चर ऐप में 4 जून को फोटो अपलोड की जानी है उसकी प्लानिंग पहले से अपलोड कर चेक कर लें, कहीं किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। उन्होंने कहा कि क्विक कैप्चर की ट्रेनिंग सभी को दे दें तथा जो सूचना शासन को भेजी जानी है उसे समय से भेजी जाए। वहीं पर वनाधिकारी ने बताया कि 4 जुलाई को प्रातः 7 बजे से वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा तथा इसके प्रत्येक घंटे वार रिपोर्टिंग की जाएगी, यह कार्य समिति तक चलेगा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसमें फर्जी तरीके से वृक्षारोपण न की जाए तथा इसकी जांच कराई जाएगी, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के द्वारा गड्ढों की खुदान समय से हो जाए तथा पौधों की उठान संबंधित विभाग 100% उठा ले, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। इस मौके पर डीसी मनरेगा हरीश चंद, प्रभागीय वन अधिकारी अशोक चंद्रा, अपर DSTO अजयवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।